देखिए दोस्तों, अगर कोई काम हमारा आसानी से ना हो रहा हो तो उसके लिए हमें समझ जाना चाहिए कि मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमसे ऊपर वाला नाराज है। तो अगर आप अपने किसी भी काम को करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से अपने ऊपर वाले को याद करना चालू करें, उसको मनाना चालू करें, तभी हमारा काम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रखे थे, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, बाकी फिर भी मैं टाइम निकाल के अपनी वीडियोज बना देता हूँ आपके लिए, और क्योंकि मैं अपना काम भी करता हूँ इस वजह से। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, सर आप अपने डेली रूटीन की वीडियोज बनाएं, एक डेली रूटीन की वीडियो जरूर दें, आप पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो आज मैंने डेली रूटीन की वीडियो डाली है, आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और आप वीडियो में पूरा मजा लेंगे कि मैं पूरे दिन क्या क्या एक्टिविटी करता हूँ और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट की लाइफ कितनी मुश्किल भरी होती है, उसको क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, कैसे अपने आप को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अपने आप को संभालना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को आगे एंजॉय करते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों देखिए, आप लोग कह रहे थे रूटीन की वीडियो बनाइए, मैंने बनाई है। और मैं किस तरह से सोता हूँ, एक आँखों के ऊपर एक कॉटन का एक दुपट्टा बांध लेता हूँ, छोटा सा, हल्का टाइट होता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता। उसका रीज़न बांधने का सिर्फ यही होता है कि मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। पहले मेरे को नींद के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती थी, नींद नहीं आती थी। अब काफ़ी टाइम से, लगभग 2-3 साल हो गए मेरे को, तो मैं इस तरह से कॉटन की एक चादर ओढ़ लेता हूँ, हल्की सी एसी चलता हुआ होता है या फ़ैन चलता हुआ होता है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है और बहुत अच्छी नींद आती है। उल्टे सीधे ख्याल नहीं आते हैं माइंड में, उल्टी सीधी बातें नहीं आती हैं, तो मैं आराम से अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। और सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं सो के उठता हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपने और डेली रूटीन की वर्किंग करता हूँ। तो 9:30 बजे मैं सो के उठ जाता हूँ, उसके बाद में क्या करता हूँ, फिर मैं सारी रूटीन अपनी पूरी करता हूँ, मेरा मन बड़ा खुश रहता है। और मेरे को रात को अगर लेट तक भी जागना होता है तो मैं सुबह तक सो लेता हूँ, क्योंकि मुझे काम तो कुछ होता नहीं है, बाकी मेरी वाइफ को जो काम होता है, बच्चों को जो काम होते हैं वो घर के कर लेते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और मैं अपने बाद उसके बाद में फिर अपना डेली रूटीन का वर्क चालू कर देता हूँ। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तब समझ लेना आपकी कोई अहमियत नहीं है। इंसान को कामयाब बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, ऐसे ही लेटा रहेगा, तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। मैं उठने के बाद में सबसे पहले पानी पीता हूँ, 1 गिलास या 2 गिलास, उसके बाद में ही फिर मैं और वर्क करना चालू करता हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही पानी पीने से हमारी रात भर की जो गंदगी हमारे पेट के अंदर होती है वो सारी साफ़ हो जाती है और यूरिन के रास्ते बाहर आ जाती है। इसलिए सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले आपको सादा पानी ज़रूर पीना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पानी नहीं पीते, डायरेक्ट नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो वो फिर उनको दिक्कत कर देता है, उनको मोशन टाइट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए पानी पिएं, और पानी पीने के बाद में अपनी बॉडी को वार्म अप करें थोड़ा सा, जिससे कि जो रात भर टाइटनेस रही है हमारी बॉडी के अंदर वो टाइटनेस कम हो जाए। और टाइटनेस कम करने के लिए जितनी एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं उतनी आप करिए, चाहे सर्वाइकल वाले हैं, चाहे डी वाले हैं, कोई भी हैं, फिर उसके बाद में आप कुछ और काम करें। जितनी आपसे हो सकती है उतनी आप खुद करें, जितनी नहीं हो सकती उतनी नहीं करें। ये मेरा डेली रूटीन है, जो भी चीज़ें मैं आज आपको दिखा रहा हूँ वो सारा मेरा डेली रूटीन है, मैं टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर रखी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, 2 घंटे की वीडियो तो कोई देखता भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता। तो आप इस तरह से अगर एक्सरसाइज करें तो हल्की करें, हल्के हाथ से करें, मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं। तो आप भी अगर इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो हल्के हाथ से करें, तो 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, उसके बाद में बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जो रात भर की टाइटनेस थी बॉडी के अंदर
वो कम हो जाएगी कुछ घंटों के लिए, फिर बॉडी अपने आप ही रूटीन पे आ जाएगी। देखिए मुस्कुराना हमारी आदत है, इसलिए हमें मुस्कुराना तो पड़ेगा। अगर मुस्कुराएंगे नहीं तो रिकवरी हमारी रुक जाएगी और ज़िंदगी हमसे नाराज़ हो जाएगी, तो इसलिए मुस्कुराएं ज़रूर। देखिए ऊपर की बॉडी की एक्सरसाइज मैं खुद कर लेता हूँ, लेटे लेटे, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया हुआ है आपको, तो वो एक्सरसाइज मैं खुद अपने आप कर लेता हूँ और बाकी जो नहीं होती है मैं अपनी वाइफ से करा लेता हूँ। अब ये एक्सरसाइज वगैरह कराने के बाद में दूसरी रूटीन आ जाती है मेरी, मैं पेस्ट वगैरह करता हूँ, तैयार होता हूँ, ब्रश मैं जितना हो सकता है अपने हाथ से कर लेता हूँ, डेली कर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर ब्रश करने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है। देखिए नॉर्मल आदमी भी जो चलता फिरता है वो भी सारी उसकी भी डेली रूटीन इसी तरह की होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, बाकी रूटीन सब उसकी भी यही होती है। फ़र्क इतना है कि वो चलता फिरता है वो अपने आप कर लेता है, और हम लोगों के साथ में दिक्कत ये होती है कि हमें दूसरे से कराना पड़ता है, मतलब अपने केयर एंड टेकर से कराना पड़ता है। तो करना तो हमें हर हाल में है, ठीक है तब भी है और नहीं है तब भी है। तो ये मेरा डेली रूटीन है, मैं इस तरह से डेली ये काम करता हूँ। आपको वीडियो में देख के लगेगा कि बहुत सारी एक्टिविटी हो जाएंगी, बहुत सारा काम हो जाएगा, हम पड़े पड़े भी क्या करेंगे। देखिए हमारी वाइफ वगैरह भी हैं तो वो कोई बाहर काम करने तो जाती नहीं है, क्योंकि काम हमें ही करना है, या फिर पैसे की अर्निंग भी हमें ही करनी है। मैं पैसे की अर्निंग भी खुद ही करता हूँ, अपना काम करता हूँ, बीच के टाइम में मैं अपना काम करता हूँ और बाकी टाइम में यूट्यूब पर वीडियो बना लेता हूँ या फिर आप लोगों से बात कर लेता हूँ, कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। मैं काफ़ी टाइम तक 3-3 महीने तक एक ही रूम में रहता हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिल्ली में सफोकेशन ज़्यादा है तो एसी के अंदर रहना पड़ता है, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, और मेरा रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो मेरे को फ्रेशनेस महसूस होती है। इसी रूम के अंदर मुझे 2-2, 3-3 महीने तक रहना पड़ता है। दोस्तों देखिए ये हमारी जो लाइफ है बड़ी टिपिकल है, इसके लिए हमें जीत हार का फैसला तो बाद में करेंगे हम लोग, पहले हम मुकाबला करना सीख लें। मैं डेली अपने रूम को फ्रेश कराता हूँ, 2 दिन में मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कराता हूँ, सारा बेड चेंज कराता हूँ, सारे कपड़े चेंज कराता हूँ, डेली नहीं कराता, 2 दिन में कराता हूँ। कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो मैंने इसमें दिखाई नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और बहुत सारी एक्टिविटी मैंने छोड़ दी इसके अंदर, बाकी आप ये वाली इस तरह से रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। ये रेगुलर आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये पूरे दिन ये काम कर रहे हैं, पूरे दिन ये काम नहीं होता, एक एक दो दो घंटे का गैप देके ये सारी एक्टिविटी होती हैं, ये सारा वर्क होता है, तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं लगता और हम कर लेते हैं। अब कुछ टाइम के लिए मैं खाली हो जाऊंगा तो फिर मैं अपने फ़ोन पे अपना काम करूंगा, कुछ टाइम के लिए खाली हो जाऊंगा तो फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा, कुछ टाइम के लिए खाली हो जाऊंगा तो मैं अपना डिनर करूंगा, लंच करूंगा, बस इसी तरह लाइफ चलती रहती है और बॉडी नॉर्मल होती जा रही है, रिकवरी आती जा रही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम पूरे दिन क्या करें, खाली पड़े रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए अब मैं नाश्ते में कुछ भी खा लेता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्या खाते हैं डाइट में, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, जो मेरा दिल करता है वो मैं बनवाता हूँ, खा लेता हूँ, सिर्फ मैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हम कुछ भी खाना अगर खाते हैं, हैवी हो चाहे हमारा लाइट हो, उसको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है, और डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए 11:30 बजे का टाइम मेरा बात करने का टाइम होता है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक मैं आप लोगों से बातें करता हूँ फ़ोन पे, जिन लोगों की भी कॉल आई हुई होती है, कॉल सुबह 6 बजे से आनी चालू हो जाती हैं, व्हाट्सएप पे जो जवाब देने होते हैं, कमेंट्स आए हुए होते हैं, उनका रिप्लाई करना होता है, तो मेरा टाइम 11:30 बजे से 1:30 बजे तक उन आप लोगों के लिए है, और उसमें मैं सिर्फ आप लोगों से ही बात करता हूँ। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत देर तक बात कर लेते हैं तो फिर दूसरे बंदों का नंबर नहीं आ पाता, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमसे बात नहीं कर रहे। अब देखिए व्हाट्सअप चालू करा है, कितने सारे कमेंट्स आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं, अब इन सबको रिप्लाई करना है, किसी ने कुछ पूछना है, किसी ने कुछ पूछना है, किसी ने कोई दवाई पूछनी, कोई एक्सरसाइज पूछनी, किसी ने अपनी परेशानी शेयर करनी है, तो आप लोग कोशिश किया करें ज़्यादातर व्हाट्सअप पर बात कर लें मेरे से, व्हाट्सअप पर मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा, हर 5-10 मिनट में मैं व्हाट्सअप चेक करता हूँ, फ़ोन रेगुलर नहीं उठा पाता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं सबसे आधा आधा घंटा 15-15 मिनट बात कर पाऊँ। तो देखिए मेरे इस नंबर पे यूट्यूब के नंबर पे कितने कॉन्टैक्ट हैं, लगभग 1400 कॉन्टैक्ट हैं मेरे, और जो मेरा पर्सनल नंबर है उसके ऊपर अलग कॉन्टैक्ट है।
तो इतने सारे लोगों को संभालना, इतने सारे लोगों की परेशानियां सुनना बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। बहुत बड़ी ऊपर वाले ने हिम्मत दे रखी है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। देखिए सारे पूरे वर्ल्ड के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे कॉन्टेक्ट उन्हीं के हैं। किसी ना किसी के कोई कॉल आती है, कोई व्हाट्सअप आते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैं आपको कुछ बताने लायक तो हूँ, ऊपर वाले ने इस लायक तो बनाया। अब लगभग 1:30 बजे तक मैं इसी तरह बातें करूँगा। अब ये 2 बजे का टाइम है, 2 बजे मेरे डॉक्टर साहब आ जाते हैं एक्सरसाइज कराने। 2 बजे, आधा घंटा पहले मैं सब कुछ काम बंद कर देता हूँ और 2 बजे से लेकर 3 बजे तक डॉक्टर साहब मेरी एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपी, और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। अब डॉक्टर साहब का टाइम भी पंक्चुअल है। डॉक्टर साहब लगभग 10 साल से मेरे को रेगुलर, 9 साल से लगभग रेगुलर फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। 2 बजे का टाइम है और मेरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कि डेली एक रूटीन बना हुआ है कि जब तक ठीक नहीं होना, ऊपर वाले का नाम लेके हिम्मत करते रहना है, हिम्मत हारनी नहीं है, और मेहनत करता रहूँगा तो मैं रिकवर हो जाऊँगा। ये सारी चीज़ें मेरी अब बाद में आनी चालू हुई एक्सरसाइज कर करके, वरना ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई मैं अपने एक हाथ भी हिला पाता। देखिए दोस्तों, हमें वक्त का इंतज़ार नहीं करना, हमें किसी अवसर का इंतज़ार नहीं करना, किसी डेट का इंतज़ार नहीं करना। हमने रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, डॉक्टर साहब से कराएं, चाहे फिजियोथेरेपी खुद करें, चाहे किसी रिहब सेंटर में कराएं, पर इसको हमें ब्रेक नहीं देना। अगर हम ब्रेक दे देंगे तो हमारी रिकवरी रुक जाएगी और हम परेशान हो जाएंगे, परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखिए, डॉक्टर साहब के साथ में मैं खड़ा होता हूँ वॉकर पे, मेरी 3-4 तरह की एक्टिविटी हैं खड़े होने की, अलग अलग तरह से। तो मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा होता हूँ तो अलग तरह से खड़ा होता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे को खड़ा कराते हैं तो इस तरह से वॉकर पे खड़ा कराते हैं। तो इससे पूरा इंडिविजुअल वेट और कंट्रोल मेरे अपने ऊपर होता है, किसी दूसरे का नहीं होता। ये हल्का सा मेरे को पुश करते हैं और मैं खड़ा हो जाता हूँ। पहले मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी रिकवरी करने से ही आई है। जब तक हम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो काम हमारा पॉसिबल नहीं होगा, हम सोचते ही रह जाएंगे और सोचने में टाइम निकल जाएगा। अब देखें इंडिविजुअल, मैं अपने आप खड़ा हूँ, नी ब्रेस बांध दिए मेरे और अपर लिम को मैंने संभाल लिया। अब डॉक्टर साहब चले गए हैं, 1 घंटा उनका हो गया, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो गई, बिठाना, खड़ा कराना, करवट दिलाना, पूरी बॉडी का एक एक ज्वाइंट की एक्सरसाइज कराना। उसके बाद में हमारा काम आ जाता है, नी ब्रेस वगैरह खोल के ये हमें रखने हैं। फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, थोड़ा इंतज़ार करूँगा, थोड़ा सा कुछ और काम करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह लाइफ कट जाएगी। अब मेरा लंच का टाइम हो गया और लंच करता हूँ मैं 3:15 बजे, तो 3:15 बजे लंच करता हूँ। उस टाइम पे देखिए मैं कुछ भी खा लेता हूँ, जो घर में बना हुआ होता है वही सब चीज़ें मैं खाता हूँ जो एक नॉर्मल आदमी खाता है। स्पेशल डाइट मेरी कुछ नहीं है, बस मैंने बताया ना कि मैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेगुलर कंटिन्यू एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल बना रखा है, मैं ऐसा नहीं कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, नहीं, मेरा हर चीज़ का एक टाइम बना हुआ है कि इतने टाइम पे मुझे ये काम करना है, इतने टाइम पे मुझे ये काम करना है, तभी सारी चीज़ें मेरी पॉसिबल हो पाती हैं। अदरवाइज़ अगर मैं टाइम टू टाइम नहीं करूँगा और उल्टे सीधे टाइम पे काम करूँगा तो मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा और मेरी एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। और जो मेरा कराने वाला मेरी वाइफ है, कि पूरे दिन मेरी एक्सरसाइज करानी है, मेरी एक्टिविटी करानी है, मेरे काम करने हैं, बच्चों का भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का काम भी है, वो सारी चीज़ें फिर डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हमें अपनी लाइफ में अगर कोई भी वर्क करना है उसको करने से पहले हमें अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कामयाबी तभी हासिल होती है जब हम किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर प्रॉपर तरीके से रेगुलर नहीं करेंगे तो वो काम हमारा नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से और हमें कामयाबी भी नहीं मिलेगी। देखिए, समय को बर्बाद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर समय का सही इस्तेमाल करना है तो आपने रेगुलर उसके बारे में अपनी एक सोच बनानी है और सोच के बाद में उस काम को हमें करना है, प्रैक्टिकली करना है। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे तो समय ही बर्बाद करेंगे। तो दोस्तों, आप 4 बज गए हैं और अब आपसे बात करने का टाइम हो गया है मेरा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है क्या? हाँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ, वही मैं गूगल से इसको देख रहे हैं। जी जी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। हाँ, तो वही चीज़ है, हम कह के देखें क्योंकि इंडिया में स्पाइन का है तो उसका पढ़ाई वढ़ाई भी कॉलेज में होगा या फिर केवल सब बच्चे डायरेक्ट
नहीं, बच्चे वगैरह का नहीं है वो, वैसा नहीं मेडिकल कॉलेज, वैसा नहीं बच्चों को पढ़ाने वाला, बड़ा हॉस्पिटल है खाली स्पाइन स्पाइन। दोस्तों ये मेरा टाइम था 4 बजे से 6 बजे तक बात करने का आप लोगों से, आपने देखा मैं कॉल पे सबसे बातें कर लेता हूँ, टाइम मिलता है जैसे ही, जिसका अटेंड कर पाता हूँ कर लेता हूँ, जिसका नहीं कर पाता तो नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी दूसरी एक्टिविटी का टाइम आ जाता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि व्हाट्सएप पर बात कर लिया करें लिख कर या वॉइस कर कर। फिर उसके बाद 6 बजे मेरा टाइम हो जाता है शाम की एक्सरसाइज का, तो लगभग आधा घंटा मैं अपनी वाइफ से शाम को 6 बजे फिर एक्सरसाइज कराता हूँ, जिससे कि डॉक्टर साहब के 3 बजे से और 6 बजे के बीच में जो टाइटनेस आई या मैं एक कंडीशन में पड़ा रहा तो वो सारी चीज़ें मेरी फिर दोबारा 3 घंटे में, उससे पहले मैं करवट लेके लेट जाता हूँ, यूरिन बंद कर लेता हूँ, तो फिर मेरी बॉडी कुछ टाइम के लिए वार्म अप हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं टाइटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, अरे आप रेगुलर अगर कराएंगे टाइम टेबल बना के अपनी एक्सरसाइज या करेंगे तो कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और करने वाले को भी एक हैबिट पड़ जाती है। देखिए हर आदमी जब कोई काम करता है तो यूज़ टू हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है और फिर उसको कोई दर्द वगैरह या फिर करने में दिक्कत नहीं होती। आपकी वाइफ भी अगर आपका काम करती हैं या कोई भी आपके भाई या फादर कोई भी करते हैं तो एक टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप उनसे कराएंगे जो उनको भी कम्फर्ट हो और आपको भी हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। अगर टाइम से अलग कराएंगे आप तो वो भी इरीटेट हो जाएंगे और आप भी इरीटेट होंगे। पता लगा कुछ दिन के बाद में एक्सरसाइज होनी बंद हो गई और ज़्यादा परेशानियां पैदा होना चालू हो गई। तो इस तरह का कोई काम ना करें जिससे कि आपको आपके केयरटेकर को कोई परेशानी हो। देखिए दोस्तों मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है, ये लाइफ की हकीकत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। दोस्तों देखिए हम इंसान हैं, अगर किसी भी तरह का कोई भी इरादा अपने माइंड में सोचते हैं और इरादा बना लेते हैं कि हमें कामयाब होना है तो कामयाबी हमें हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि कामयाबी हासिल नहीं होगी, तो कामयाबी हासिल करने के लिए आपको इरादा बनाना पड़ेगा, अपनी सोच ऐसी बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद में आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मतलब है कि आप उस काम को दिमाग से सोचें और फिर उसको करें प्रैक्टिकल में, तब आपको कामयाबी हासिल होगी और आपका माइंड भी बिल्कुल वहीं लग जाएगा। अब देखिए उसके बाद में 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास मैं फिर अपना ये साइकिल कभी लेट के चला लेता हूँ बेड पे, कभी व्हीलचेयर पे बैठ के चला लेता हूँ। मैं डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज बदल बदल के करता हूँ, जैसे एक दिन मैंने लेट के साइकिल चला ली, एक दिन व्हीलचेयर पे या चेयर पे बैठ के चला ली, जैसा मेरा टाइम का शेड्यूल होता है या सिचुएशन होती है, बिठाने के लिए कोई बच्चा होता है, क्योंकि कई बार बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं तो बिठाने के लिए बच्चे नहीं होते हैं, खाली वाइफ अकेली होती है उठाने में दिक्कत हो जाए, तो इसलिए जितना कंफर्ट हो सकता है उतना ही काम करता हूँ, डिले नहीं करता। ऐसा नहीं कि आज कोई बिठाने के लिए नहीं तो आज मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा, नहीं, उसके अलावा जो एक्सरसाइज कम्फर्ट जोन में हो सकती हैं मैं वो एक्सरसाइज करूँगा ज़रूर। यार मैं इससे इसीलिए डरता हूँ, जय खड़े तो हो यार इस वाली मशीन से ना, मैं इसीलिए डरता हूँ, मेरे को डर लगता है ये बड़ी तेज तेज करंट मारती है। कुछ भी तो नहीं मार रही, मेरे करंट मार रही है बहुत तेज तेज, देखना कुछ भी मार देखो, रही फिंगर देखो पीछे से फिंगर देखो ये हिल रही है ना, ये नहीं बड़ी तेज तेज, मैं इसका ना दोस्तों डर डर के लगवाता हूँ बड़ी मुश्किल से। इससे बढ़ेगा सुन, प्लस वाले से प्लस से इससे चेंज होगा, बढ़ेगा इससे, अभी लग रहे हाँ झटके लग रहे करंट के, इससे कम होगा, नहीं नहीं बस सही है, इससे चेंज होगा, नहीं चेंज वेंज नहीं करना यही वाला ठीक है, अरे इसके नेक्स्ट चलाओ, नहीं 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 मेरे को डर, ये देखो नॉर्मल के कितने तेज तेज झटके मार, बहुत आज डीला जोरदार, डीला जोरदार बिल्कुल, अरे यार चेंज नहीं कर सकती आप उसको कम करके चेंज करें, ज्यादा मत करना बता रहा हूँ झगड़ा होता हूँ यार आगे दिमाग खराब हो गया, लगा दो कितनी तेज हिला देखना, नॉर्मल आदमी का तेज हिलता है और हमारे स्टेप में सोते हैं ना, तो मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ पहली बात तो, मैं बच्चों तो कम कर मैं इसको, अरे और तेज करो ना, अभी तो पता चलेगा, सब मैं कर सकती हूँ।
देख के चलो। इसमें इजी है। इसमें क्या हो रहा है? क्या ऐसे कर रहा है ये फिंगर? अब हो रही है तो क्या करें? ये अपने आप हो रही है? हाँ, ये अपने आप हो रही है। इससे इसे बंद हो रही है अपने आप? हाँ। यार ये वाला सही है, फिर आपकी आपकी बंद हो रही खुली रहे। ट्रेन चल गई। ट्रेन ट्रेन चल रही। ट्रेन इसकी शक्ल देखो। ट्रेन ये क्या है? इसको फास्ट में कर देंगे ना वीडियो को। ये क्या हो रहा है? दोस्तों देखो, उसके साथ साथ आप ऐसे भी फिंगर को, अगर आपको कोई गेस्ट वगैरह है या कोई घर में ऐसे आके आपसे बैठ के बात करता है, तो आप ऐसे भी सर्वाइकल वाले जिनकी फिंगर नहीं चलती है वो ऐसे भी करवा सकते हैं। हाँ, ये मेहमान नहीं है तो घर के हैं, ऐसे भी चला सकते हो आप 5 मिनट के लिए इस तरह से। इस वाले में ज्यादा तकड़े मारता है करण, इस वाले हाथ में पावर ज्यादा है। तो पता ही नहीं चल रहा, देख रहे हैं ना, मेरे मार रहा होते थे गलबू के में, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। हां तो सीधी पकड़ना होगी, करके सीधी फिंगर पकड़ रहा है। आई करो आगे। हां ये वाला आई है, रुक रुक के झटके मार रहा होते थे। हटाओ इस पे दूसरा वाला करो। ओ, ये क्या हो गया? ये तो जैसे बिजली नहीं करंट नहीं पकड़ लेता प्लग का। मेरे भी पकड़ रखा है। ओह तो और भी ज्यादा वाला है इस वाले हाथ पे, आज मैंने ट्राई करे। सॉरी ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ओह मुंह पे दिख रहा है, नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है हाथ में से कुछ खींच रहा है, निकाल रहा है कोई। अगर आपके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाए तो आपके हाथ पर क्या होगा? बस चल गया। लगाते हैं ना पहली बार में लगता है, जब ऐसे ऐसे करोगे तो आपके हाथ से ब्लड चला जाएगा, और जब लग जाता है तो ऐसा लगता है आप तो पकड़ लिया, पकड़ने दे इसे। तो दोस्तों देखा आपने, मैं ये मशीन जो है हाथों पे और पैरों पे दोनों पे लगाता हूँ। देखिए पैरों पे लगाने के बाद में ऐसा रिफ्लेक्शन देती है ये, इस तरह से पैरों में झटके मारते हैं। और देखिए आपने देखा होगा मेरी पिछले वीडियो में, हम लोग इंजॉय करके सारी एक्टिविटी करते हैं, उसका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि हम एक टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं। उस ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी काम करने के लिए बोल दिया और दूसरा बंदा दूसरा काम कर रहा है, वो फिर इरीटेट हो ही जाएगा। ये देखिए कितनी तेज तेज झटके मार रही है। आप लोगों ने इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई भी हो, देखी भी होगी, तो मैं उसको हाथों के लिए फिंगरों पे अपनी और पैरों पे थाई पे यूज़ करता रहता हूँ। अब मेरा टाइम हो जाता है फिर लगभग 7:30 बजे के आसपास खड़े होने का, और 7:30 बजे फिर मैं खड़ा होता हूँ कैलीपर से। और कैलीपर से इसलिए खड़ा होता हूँ क्योंकि उठाने के लिए दो बंदे वैसे चाहिए होते हैं तो मैं नहीं हो पाता, और वॉकर पे सिर्फ डॉक्टर साहब के साथ में ही खड़ा हो पाता हूँ, गिरने का खतरा होता है, इसलिए एक आदमी सेफ चाहिए, तो वो मेरे पास कोई होता नहीं है। डॉक्टर साहब 1 घंटे के लिए आते हैं, उसमें पूरी एक्टिविटी करानी होती है तो जितनी हो जाती है ठीक है, उसके बाद में फिर मैं कैलीपर से शाम को खड़ा होता हूँ। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, खड़े होने के बाद में अपना रात का डिनर करेंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, व्हाट्सएप पे जो आपके कमेंट्स आए हुए हैं उनका रिप्लाई करना है, और फिर उसके बाद में हम सो जाते हैं। लगभग इस काम में हमें 1 बज जाता है रात को, और इसी तरह से पूरा रूटीन हमारा पूरा हो जाता है, लाइफ को एंजॉय करते हैं, और रिकवर होने के ऊपर वाले से सबके लिए दुआ करते हैं कि सभी जितने भी भाई बहन हैं अपनी ऐसी एक्टिविटी करते रहें और रिकवर होते रहें। जितना आपसे हो सकता है उतना आप कोशिश करिए, जब आपको देखेगा भगवान के हाँ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आपको देगा। तो दोस्तों ये थी मेरे पूरे दिन की एक्टिविटी की डेली रूटीन की वीडियो। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं जो डेली यूज़ करता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक दिन छोड़ के करता हूँ क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो डेली नहीं हो पाती, तो एक दिन चेंज कर करके मैं कर लेता हूँ। और अब मैं लास्ट में फिर आपको खड़े होकर मैंने दिखाया कैलीपर से, और दिन में दिखाया था मैंने आपको
डॉक्टर के साथ में एक्सरसाइज के साथ में नी ब्रेस वॉकर पे खड़े होके, तो ये मेरी रूटीन थी। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को और व्हाट्सएप ग्रुप पर। और चैनल पर अगर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर भी मैं टाइम निकाल के वीडियो बना देता हूँ, और क्योंकि मुझे अपना भी काम करना होता है। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।